सबसे पहले आप YouTube खोलकर YouTube के सर्च बॉक्स में जाइए और उधर लिखिए दिलीप आईटी सपोर्ट। दिलीप आईटी सपोर्ट चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन बेल। तो दोस्तों स्वागत करता हूँ फिर से मैं आपको दिलीप आईटी सपोर्ट चैनल पर। क्या आपके भी मोबाइल में ज़्यादा डाटा यूज हो जाता है ऑटोमेटिक, तो दो स्टेप आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। आइए हमारे वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा, तो देखते रहिए आप दिलीप आईटी सपोर्ट। स्टेप नंबर वन, आपकी जिस सबसे पहले प्ले स्टोर ऑन कर लीजिए। प्ले स्टोर ऑन करने के बाद इधर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप सेटिंग पर क्लिक कीजिए। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक अपडेट ऐप्स पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद डाउंट ऑटोमेटिक अपडेट ऐप्स पर आप क्लिक कीजिए और डन कर दीजिए। स्टेप नंबर वन फॉलो करने से आपको ऐप्स कोई भी ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगा। स्टेप नंबर टू, आपको सबसे पहले मोबाइल के सेटिंग खोल लेना है। सेटिंग खोलने के बाद डाटा यूज पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको कोई भी ऐप्स को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद बैकग्राउंड डाटा को आपको रेस्ट्रिक्टेड ऑन कर देना है। ऑलमोस्ट सभी ऐप्स को आपको ऑन कर देना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए और वीडियो को कमेंट कीजिए और हमारे वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे दिलीप आईटी सपोर्ट चैनल को।